अब मुझे बेसिकली ये बॉक्स बनाना है. सो व्हाट आई डू, लेट्स जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द बेस. ठीक है, अब ये कि माया में मुझे ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, तो ये मैंने कहा यार ये सिलेंडर बना हुआ है नीचे. ठीक है, दिस इज अ सिंपल सिलेंडर. तो हाउ डू आई क्रिएट, व्हाट शुड आई डू नाउ? अब ये शेप बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्रिएट पॉलीगॉन. हाँ, क्रिएट पॉलीगॉन में जाके कौन सा शेप उठाऊँ मैं? सिलेंडर. ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ गया, क्रिएट पॉलीगॉन सिलेंडर, ये रहा शेप. सिलेंडर पे क्लिक किया, क्लिक एंड ड्रैग किया व्यूपोर्ट के ऊपर और थोड़ा सा इसको हमने हाइट दे दी. ठीक है, अब ये तो बहुत बड़ा बन गया मेरे हिसाब से, क्योंकि फिगर हमने छोटी रखी हुई है. तो लेट्स मैच इट विद द फिगर. अब अगर मैं सिलेंडर बनाऊँ, मैंने चैनल बॉक्स ओपन किया हुआ है, तो नीचे देखो इसका रेडियस आ गया. अगर आप चाहो तो रेडियस मैंने 5 कर दूंगा, तो 5 हो गया. ठीक है, और मैं इसको चाहूँ तो और कंट्रोल कर सकता हूँ कि कितना बड़ा मुझे सिलेंडर चाहिए. ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल मैंने कहा ओके दिस इज इनफ, इतना सिलेंडर काफ़ी है. और उसके बाद इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, हमने हाइट इसकी थोड़ी सी कम करनी है. ठीक है, तो मैंने कहा यार इसकी हाइट जो थी वो 4 है, मैं हाइट को 2 कर दूँ, ये सही नहीं हुई. फिर मैंने कहा 3 कर दूँ या 5 कर दूँ, जितने चाहूँ. तो बनाने के बाद भी हम ऑब्जेक्ट की साइज शेप को मॉडिफाई आराम से कर सकते हैं. ठीक है, दूसरी चीज़ एक माया के अंदर बड़ी ज़बरदस्त है, वर्चुअल स्लाइडर्स करके. वर्चुअल स्लाइडर्स का मतलब ये कि मैं ऑब्जेक्ट के नाम, इसके जो नाम पे क्लिक करूँ और व्यूपोर्ट में मिडिल माउस से लेफ्ट एंड राइट करूँ, अप डाउन नहीं, लेफ्ट एंड राइट अगेन. क्योंकि मैंने कहा कि माया में अक्सर चीज़ें लेफ्ट एंड राइट पे ही बेस कर रही होती हैं. तो अगर आप सिर्फ नेम पे क्लिक करो किसी भी एट्रीब्यूट के और व्यूपोर्ट में आके, यहाँ पे नहीं, व्यूपोर्ट में आके लेफ्ट एंड राइट करो, तो अब एरो आपका चेंज हो गया, अभी आपका वर्चुअल स्लाइडर बन गया. तो अब आप स्लाइड करके देख सकते हो कि यार मुझे इसकी हाइट कितनी रखनी है, क्या करनी चाहिए. ठीक है, तो मैंने कहा यार इसकी हाइट मुझे तकरीबन इतनी बेस काफ़ी है, इसके हिसाब से मैं थोड़ा सा मैच कर रहे हैं, अपनी मर्जी के बना रहे हैं. दूसरा मैंने कहा यार ये बिल्कुल परफेक्टली राउंड नहीं है, इसकी साइड्स बनी हुई. ठीक है, तो इसकी साइड्स कैसे उठाऊँ मैं? तो साइड्स आ जाऊँगा मैं सब डिविजन में. सिलेंडर के अंदर एक प्रॉपर्टी कहलाती है, एक तो रेडियस, उसके रेडियस को कंट्रोल कर रहे हैं, दूसरा उसके हाइट, जो उसकी हाइट को कंट्रोल कर रहे हैं, थर्ड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सब डिविजन्स. सब डिविजन्स मीन्स कि ये ऑब्जेक्ट को मैंने कितने हिस्सों में डिवाइड किया हुआ. ठीक है, ग्राफिक्स में ऑब्जेक्ट को जितने ज़्यादा हमने डिविजन्स दिए हुए होंगे, उतना ही ऑब्जेक्ट आपका स्मूथ होता जाएगा. जितने हम कम डिविजन्स देंगे, उतनी आपका ऑब्जेक्ट रिजिड और अनस्मूथ हार्ड सर्फेस बनती जाएगी. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कम सेगमेंट्स वाला चाहिए, तो वट आई विल डू इज कि मैं इसकी सब डिविजन्स में गया और नेम पे क्लिक किया, व्यू पोर्ट में लेफ्ट पे ड्रैग किया, तो एज आई डिक्रीज द सब डिविजन, सी ऑब्जेक्ट का शेप जो था वो चेंज होते जाएगा, और पहले बड़ा स्मूथ था, अब आहिस्ते आहिस्ते रफ एंड रिजिड होता जाएगा. ठीक है, इस हद तक कि मैं इसको मिनिमम लाके 3 पे छोड़ूँ. तो रिमेंबर हम कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर भी पढ़ते हैं कि पॉलीगॉन के अंदर मिनिमम 3 साइड्स होती हैं, तो इसकी मिनिमम 3 साइड्स हमारे पास. ठीक है, तो मैं सब डिविजन पे क्लिक किया, 4 कर दिया तो 4 स्क्वायर बन गया, 5 किया, 6 किया, तो मेरी मर्जी में जितने रखना चाहूँ. अकॉर्डिंग टू दिस मैंने कहा यार इसमें मैं 1, 2, 3, 6, 7, 8 काफ़ी हैं. ठीक है, दिस शुड बी इनफ फॉर दिस पर्टिकुलर. ठीक है, जो आपकी मर्जी जितना आप रखना चाहो. फिर अब आ जाते हैं नेक्स्ट कि यार ये नीचे का बॉर्डर मैं कैसे क्रिएट करूँ, और ये फ्रंट के मुझे अब इसमें निकालने पहिए कैसे निकाले जाएँ. तो उसके लिए मैंने हाइट पर आ गया, हाइट के सब डिविजन अब इस टाइम 1 है, मीन्स कि ये पूरा एक हिस्से में डिवाइड है. इफ़ आई मेक इट 2, ठीक है, लेट मी मेक इट 2 फर्स्ट. तो 2 मीन्स कि अब सब डिविजन है, मीन्स ये आपका ऑब्जेक्ट हाइट में सब डिवाइड हुआ हुआ है दो हिस्सों के अंदर. ठीक है, सी दिस 1.2 पॉइंट. फिर इसको अगर मैं 3 कर देता हूँ, तो दैट मीन्स कि नाउ माई ऑब्जेक्ट इज सब डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, 1, 2, 3. ठीक है, एज सिंपल एज दैट. मैं इसको 4 कर देता हूँ, तो दैट मीन्स अब ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया. अब ये सब डिविजन्स क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ग्राफिक्स में ये सब डिविजन्स आपके ऑब्जेक्ट की शेप को कंट्रोल करते हैं. ठीक है, किस तरीके से? अब मैं जाऊँगा इसके कंपोनेंट्स के अंदर. ठीक है, मैं इसके कंपोनेंट्स के अंदर जाऊँगा. कंपोनेंट्स के अंदर से मकसद ये कि आई विल राइट क्लिक ऑन माई ऑब्जेक्ट एंड आइदर सेलेक्ट वर्टेक्स, एजेस और फेसेस. अगर मैं वर्टेक्स सेलेक्ट करता हूँ, तो नोट कि आपका ऑब्जेक्ट की लाइन्स पिंक हो जाए, ब्लू हो जाएंगी, एंड सडनली पिंक डॉट्स विल अपीयर एट प्लेसेस. अब वर्टेक्स क्या होता है कि दो वो पॉइंट है जो दो एजेस के बीच में मीट करता है. ये चीज़ हमने कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर भी पढ़ी हुई है. तो व्हाट वी डू इज इफ यू सेलेक्ट दिस वर्टेक्स, तो दिस वर्टेक्स इज देयर, आई कैन वेरी इजिली मूव दिस वर्टेक्स, आई कैन मॉडिफाई चेंज द शेप ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, आई कैन सेलेक्ट दिस वन वर्टेक्स, डब्ल्यू प्रेस किया, अब मैं इस वर्टेक्स को मूव करके चेंज कर सकता हूँ. इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल आई कैन सेलेक्ट द टॉप रो ऑफ वर्टेक्स,
अप और डाउन, आई कैन मूव द शेप ऑफ द वर्टेक्स, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, इसी तरह से राइट क्लिक किया, एजेस में गए, एजेस ये लाइंस पे हैं, जैसे कर्सर ऊपर आएगा रेड हो जाएगा, इफ़ आई क्लिक आई विल बी एबल टू सेलेक्ट दिस एज, इस एज को सेलेक्ट किया और मैं इसको मूव करके एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे इसको क्या करना है, जैसे नीचे का ये बेस क्रिएट करना था, ठीक है, तो मैंने नीचे वाली ये लाइन सेलेक्ट की, सॉरी, और माया में एक फीचर है कि अगर इस लाइन के नेक्स्ट लाइन पे मैं डबल क्लिक करूं तो उसने पूरी लाइन को रिंग में सेलेक्ट कर दिया ऑटोमेटिकली। अगेन मैंने बाहर क्लिक किया, व्यूपोर्ट में कहीं भी क्लिक करो डीसेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने एक लाइन सेलेक्ट की, इस पर आप डबल क्लिक करो वो ऑटोमेटिकली पूरी रिंग सेलेक्ट कर देगा, पूरी जो कनेक्टेड एक रिंग होगी वो सेलेक्ट हो जाएगी, तो मेरी पूरी कनेक्टेड रिंग जो थी वो सेलेक्ट हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हमें आर्किटेक्चर का भी पता होना चाहिए, तो ये जो बिल्डिंग बन रही है मेरे हिसाब से यहाँ पे ग्रूव है, ठीक है, या ये थोड़ा सा बाहर की तरफ इम्बोस निकला हुआ होता है, ठीक है ना। अक्सर बिल्डिंग वैसे ईंट अलग से समझो, पत्थर एक अलग से ब्रिक लगाई हुई है तो बाहर थोड़ा सा इम्बोस होकर निकला हुआ, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसका मतलब इसको तोड़ना है और यहाँ से एक 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 ईंट बाहर निकालनी है ताकि पट्टी बाहर की तरफ से आ जाए हमारे पास। उसको करने के लिए मुझे इस एक एज को डिवाइड करना पड़ेगा दो के अंदर, ठीक है, और फिर उस फेस को एक्सट्रूड करना पड़ेगा। व्हाट आई विल डू नाउ इज आई विल गो इनटू माय एडिट मैश, ठीक है, या मैश टूल्स, और इनमें से यहाँ पे एक ऑप्शन होगा मेरे पास एक्सट्रूड चैम्फर 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 कहाँ गया मेरे पास, चैम्फर एजेस हैं, एक एज को जो आपने सेलेक्ट की थी उसको दो में कर देगा, तो जब मैंने पूरा रिंग सेलेक्ट की थी और उसको चैम्फर किया तो उसने पूरी रिंग एक रो को दो के अंदर डिवाइड कर दिया, वेरी सिंपल। तो अब जहाँ पहले एक थी वहाँ पे दो आ गई, फिर एक विंडो पॉपअप हो गई, इस विंडो में आके मैं इस चैम्फर को कंट्रोल कर सकता हूँ कि कितना बड़ा मुझे चैम्फर चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल माइन्यूट सा, ताकि एक छोटी सी ब्रेक आ जाए मेरे पास और इस विंडो को बंद कर दूँ, ठीक है। आई थिंक हाउ कैन वी क्लोज दिस एंड रीसेट रीसेट कॉपी पेस्ट, यार बंद हो जा भाई, मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी अभी, ठीक है। देन चले लेट्स जस्ट लीव इट, होपफुली दैट विल बी क्लोज्ड सम टाइम लेटर ऑन, ठीक है। देन आई सेलेक्ट राइट क्लिक गो इन टू फेस, अब रिमेंबर हमने ग्राफिक्स में पढ़ा था कि जो क्लोज सर्फेस है दिस इज कॉल्ड अ फेस, तो आई सेलेक्ट दिस फेस, अगेन मैंने फेस पे भी डबल क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली इसने पूरे कनेक्टेड फेसेस होते हैं चारों तरफ पे सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। मैंने कहा यार जबरदस्त काम हो गया ये, तो अब मुझे इसमें एक मैश में गया, यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए एक्सट्रूड का, मैंने एक्सट्रूड पे सेलेक्ट किया, क्लिक कर दिया, जो ही एक्सट्रूड पे सेलेक्ट किया तो एक हमारे पास मूव टूल का ऑप्शन आ गया, वही मूव वाला बटन, इस पर जो जी एक्सिस है ये बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो इस जी एक्सिस को मैंने बाहर की तरफ पॉइंट किया तो सी हमारे पास क्या हो गया, बाहर निकल गया जो चीज़ हमें बनानी चाहिए थी। और फिर थोड़ा सा इसको मैं स्केल कर दूंगा यूँ ताकि ये टेपर में आ जाए, ठीक है। इफ़ आई जूम इन तो ये देखो अब ये थोड़ा सा नीचे हो गया, प्रीवियसली बिल्कुल फ्लैट सीधा था, तो इसको जो बॉक्स है एरो पे नहीं, अगर मैं एरो पे करूंगा तो ऊपर नीचे डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन फिलहाल चेंज नहीं करनी, मैंने स्केलिंग इसकी कम करनी है, तो आगे से इसको समझो हमने थोड़ा सा पिचका दिया, तो पीछे से ब्रेक मोटी है आगे से आते हैं तो थोड़ी टेपर हो गई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इफेक्ट नीचे की तरफ आ गया तो ज़रा सा अच्छा और लगता है, ये मेरे पास राइट क्लिक। अच्छा अब मैं क्या है कि मैं इसके फेस के अंदर हूँ, मुझे पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, तो अब मैं राइट क्लिक करूँगा ऑब्जेक्ट मोड के अंदर चला गया, हैंस मेरे पास सीधे सीधे टेपर बनकर आ गई, ठीक है। अब एक और मिस्टेक में करके बैठ गया कि समझाने के चक्कर में मैंने एक वर्टेक्स को छेड़ा था और उसको वापस सही नहीं किया, हैंस जो मेरा सिलेंडर था वो कुछ और ही बन गया, ठीक है। अब या तो मैं अंडू 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 करूँ या फिर एक चीज़ मैं और कर देता हूँ कि इसको खुद ही मैन्युअली थोड़ा सही कर दूँ। मैन्युअली सही कैसे करूँगा कि आई प्रेस स्पेस बार तो चारों व्यू वापस आ गए, ठीक है। चारों व्यू के अंदर चले गए तो इफ़ आई सी ऑल फोर व्यूज सी दिस कि अब आपकी लाइन जो है वो टेढ़ी मेढ़ी बनी है, ये भी टेढ़ी मेढ़ी, ये भी टेढ़ी मेढ़ी, ये भी टेढ़ी मेढ़ी। तो मुझे अब इसको फॉर एग्जांपल मैं टॉप व्यू में गया, मैंने कहा यार ये तो पूरा खराब हो गया, राइट क्लिक किया वर्टेक्स में गए और मैंने टॉप व्यू से जब सेलेक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली पूरे वर्टेक्स इसने सेलेक्ट कर दिया, फिर डब्ल्यू प्रेस करके मैं उसको मैन्युअली
अपनी जगह पे लाके रख, ठीक है। दूसरा ऊपर के वर्टेक्स हैं, ये वर्टेक्स भी आई थिंक थोड़ा सा नीचे हो गए थे, इनको उठा के सेट कर दिया, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, होपफुली सही हो जाएगा। अब क्योंकि ये बिल्कुल शुरुआती काम है और थोड़ा सा मैं समझाना चाह रहा हूँ, तो मैं एक और चीज़ कर रहा हूँ, इसको सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, ठीक है। कभी कभी ये भी करना पड़ जाता है। फिर मैंने दोबारा सिलेंडर बनाया, इसको उठा के यहाँ पे रखा, मैंने कहा इतनी हाइट मेरे लिए काफ़ी है, ठीक है। इफ़ आई वॉन्ट आई कैन कम हेयर हाइट, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा चले ये बहुत ज़्यादा हो गई, लेट मी डिक्रीज द हाइट अगेन। चैनल बॉक्स के अंदर हूँ, अगर आपके पास ये ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रही प्रॉपर्टी, स्क्रोल डाउन तब देखो वैल्यूज नहीं आ रही, रेडियस भी नहीं आ रहा, हाइट भी नहीं आ रही, पॉली सिलेंडर, ठीक है। तो उस पर मैंने पॉली सिलेंडर पर क्लिक कर दिया। अब माया बेसिकली हर इंटरनली एक नोड्स के हिसाब से काम करता है, ठीक है। ये सिर्फ वर्ड नोड याद रखो, नोड को हम तफसील में फिर आगे पूरा एक लेक्चर लेंगे। मैंने इसकी इनपुट की ये नोड कहलाती है, ये नोड कंट्रोल करेगी इस ऑब्जेक्ट के शेप को। तो यूँ समझो कि ये एक नोड है जो शेप को कंट्रोल कर रही है कि शेप कैसे नजर आना चाहिए। मैंने इसकी रेडियस में आ गया, मैंने कहा रेडियस भी 5 कर दो, हाइट भी 5 कर दो, ठीक है। फिर सब डिविजन्स भी थी, मैंने वापस क्लिक की, इसको मैंने आई रिमेंबर करेक्टली 7 कर दी थी, तो 7 इक्वल पार्ट्स में बन गया। फिर हाइट को मैंने फॉर एग्जांपल 4 पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर दिया था, मैंने कहा 4 पार्ट्स में आ जाए, ठीक है। फिर राइट क्लिक किया, एजेस में गए। अब नाउ अब इसमें दो मोड्स माया में, ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट मोड, जो मेरा पूरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मोड में आप पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो, आई कैन सेलेक्ट होल ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब मैं इस पर राइट क्लिक करके वर्टेक्स में चला गया, या राइट क्लिक करके मैं फेस में चला गया, या राइट क्लिक करके मैं इसकी एजेस में चला गया, नाउ बेसिकली आई एम इन कंपोनेंट मोड, ठीक है। सो टेक्निकली व्हेन वी डू मॉडलिंग वी वर्क इन दीज टू मोड्स, आइदर कंपोनेंट मोड या ऑब्जेक्ट मोड। जब ऑब्जेक्ट मोड में हो तो आप पूरे ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हो, पूरे ऑब्जेक्ट, एक्सैक्ट पूरे ऑब्जेक्ट को उठा के दर का पूरे ऑब्जेक्ट की जरूरत है, पूरे ऑब्जेक्ट पे आपने टेक्सचर लगाया, पूरे ऑब्जेक्ट को आपने स्कैन डिलीट किया, मूव किया, मॉडिफाई किया, पूरा ऑब्जेक्ट के ऊपर टूल अप्लाई होगा। जब आप कंपोनेंट मोड के अंदर जाते हो तो अब आप उस ऑब्जेक्ट के इंटरनल कंपोनेंट में बात कर रहे हो, एनी पार्ट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, आप सिर्फ उस पर काम कर रहे हो। एज अ ह्यूमन बींग हम पूरे ऑब्जेक्ट हैं, पूरा सब चीज़ें मिला के पूरा एक वन ऑब्जेक्ट बनता है। पर जब आप उसके कंपोनेंट में जाते हो तो मेरी आईज अलग कंपोनेंट है, मेरी फिंगर्स अलग कंपोनेंट है, मेरे हैंड्स अलग कंपोनेंट है, मेरे एल्बो अलग कंपोनेंट है, मेरे जॉइंट्स अलग कंपोनेंट है, ईयर्स अलग कंपोनेंट है, माउथ अलग कंपोनेंट है, हर कंपोनेंट अलग अलग, वो मिलके पूरी एक पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट बनाता है। तो ये भी वही चीज़ है, इसीलिए जब आप राइट क्लिक करके फेस में जा रहे हो तब आप कंपोनेंट मोड के अंदर आ गए। फिर पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए या बाहर दूसरे किसी ऑब्जेक्ट पे काम करने के लिए राइट क्लिक, होल्ड द माउस बटन एंड ड्रैग ऑन टू ऑब्जेक्ट मोड, ठीक है। तो अब आप ऑब्जेक्ट मोड में आ गए, जब ये ऑब्जेक्ट ग्रीन है तो आप ऑब्जेक्ट मोड में, राइट क्लिक किया मैं एजेस में आ गया। अब वही वापस ब्रेक बनाने के लिए एज पे डबल क्लिक करेंगे तो अगर एज आपकी सही बनी हुई तो पूरा लूप सेलेक्ट हो जाएगा। मैं आ गया एडिट मैश, बेवेल टूल मैंने यूज़ किया, ठीक है। बेवेल पे अप्लाई किया तो एज आपकी बेवेल हो गई, पर मैंने कहा बहुत ज़्यादा गैप आ गया तो आई कैन यूज़ दिस पॉपअप मेन्यू टू कंट्रोल इट, ठीक है। अगर आप इसको यूज़ नहीं करना चाह रहे तो आप आपके पास चैनल बॉक्स में ऑटोमेटिकली ये प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे है ऑफसेट, यहाँ पे है फ्रैक्शन, आप इसको भी यूज़ करते हुए कंट्रोल कर सकते हैं कि आपका जो है क्या होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे आके फ्रैक्शन को जो था मैंने कहा फॉर एग्जांपल 0.2 या 0.2 तक काफ़ी है, ठीक है, इसको मैंने 0.2 कर दिया, सही है। तो अब राइट क्लिक किया, मैं आ गया फेस के अंदर, अब मैंने फेस सेलेक्ट किया, डबल क्लिक ऑन द फेस, ये आपका पूरा फेस सेलेक्ट हो जाएगा। अगेन एक फेस सेलेक्ट किया, नेक्स्ट फेस पे डबल क्लिक किया, पूरा लूप सेलेक्ट हो गया। एक फेस पे सेलेक्ट किया, उसका जो रो में नेक्स्ट फेस है ताकि उसको पता चले कि मैं किस रो में जा रहा हूँ। अगर इसको सेलेक्ट करके मैं टॉप इधर डबल क्लिक करूँगा तो अब ये पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। इफ़ आई क्लिक ऑन दिस फेस एंड नेक्स्ट इस रो में आकर डबल क्लिक किया तो इसने डबल क्लिक उसको सेलेक्ट कर, ठीक है। और फिर मैं आ गया एडिट मैश और मैंने यूज़ किया एक्सट्रूड, एक्सट्रूड किया तो अब एक्सट्रूड का ये गिज़्मो आ गया मेरे पास। पहले तो मैं ढूंढना है कि गिज़्मो किस फेस पे नज़र आया, ठीक है, क्योंकि हो सकता है अगले फेस पे उधर हो तो समटाइम्स ये प्रॉब्लम आती है। मैंने गिज़्मो ढूंढा, जेड में आके मैंने इसको आगे निकाला, ठीक है, और थोड़ा सा वाई एक्सिस जो है क्योंकि ये नीचे इस फेस को रिप्रेजेंट कर रही है, मैंने वाई में इसको थोड़ा स्केल कम किया तो ये बॉर्डर बन गया मेरे पास, ठीक। मैंने कहा परफेक्ट, इसी तरह से ऊपर का एक बॉर्डर बन रहा है कुछ इस तरीके का। तो व्हाट आई डिड वाज इस फेस को सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबाया, नेक्स्ट फेस पर डबल क्लिक किया तो ये ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। ऊपर के तमाम रो जो थी वो सेलेक्ट हो गई। फिर मैश में गए, अगेन आई क्लिक ऑन एक्सट्रूड,
जेड को ढूंढो कहाँ पे है, ये रहा जेड, ठीक है। तो अब ये जो गिज़्मो नज़र आ रहा है ये दर हकीकत हमारे पास अलग से ऑब्जेक्ट के हिसाब से नज़र आ रहा है, ठीक है। इसीलिए इस गिज़्मो पे काम करना ज़रूरी है। यहाँ पे W मैंने प्रेस नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली आ रहा है। तो ये गिज़्मो जो है ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से आ रहा है, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट स्पेस, ठीक है। जब हम नॉर्मल W प्रेस करते हैं तो वर्ल्ड स्पेस में आ जाता है। दोनों में डिफरेंस हम आगे चल के थोड़ा तफसील में जाएंगे, कभी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो बस इतना याद रखो कि जब आप एक्सट्रूड करोगे तो एक्सट्रूड पे जो उसका जो अपना गिज़्मो नज़र आ रहा है, इसको जो ये विजेट आ रहा है मूव का, आपको इसी को इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसको जब आप मूव करोगे तो देखो ये जेड डायरेक्शन, जेड मतलब बाहर की तरफ, तो मैंने इसको थोड़ा बाहर की तरफ निकाल दिया, ठीक है, हल्का सा, उतना ही जितना मैंने नीचे वाला प्लेन निकाला था, ठीक है, ताकि ये ऊपर का जो थोड़ा सा रिज है वो बन गई। अब इसी में उसने ऊपर में एक और डबल से रिंग दी हुई है, ठीक है। तो मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, मैंने यहाँ पे अब मुझे बेसिकली एक और फेस बनाना है। अब यहाँ पे तो कोई एज है नहीं, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गो इनटू माय एडिट मैश, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन, अब ये 2016 में इन्होंने काफ़ी आगे पीछे कर दिए हैं, इंसर्ट एज लूप टू, ठीक है, एडिट मैश इंसर्ट एज लूप टू। अगर आप प्रीवियस वर्जन यूज़ कर रहे हो 2012 तो उसमें एडिट मैश का ऑप्शन होगा, ये यहाँ ही पे उसी के अंदर ये टूल मौजूद होगा, ठीक है। अगर पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो तो उसी में ये आपको इंसर्ट लेस टूल वहाँ पर है। 2016 में इन्होंने थोड़े मेन्यूज़ को अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो आपने एडिट मैच इंसर्ट एज लूप टूल उठाया, यहाँ पे क्लिक किया तो देखो पूरी डॉटेड लाइन आपके ऑब्जेक्ट के चारों तरफ आ गई। इसका मतलब ये कि जब आप इसको लेट गो करोगे तो यहाँ पे एक एज ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है, इस एज इंसर्ट हो गई, परफेक्ट। मैं आ गया ऑब्जेक्ट मोड के अंदर, मैंने कहा फर्स्ट क्लास एज आ गई यहाँ पे। कैसे, अगेन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एडिट मैश में गए और इंसर्ट एज लूप टूल। इस लूप टूल को जहाँ भी आप क्लिक करके ड्रैग करोगे, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली उस लूप को पूरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ वो लूप घुमा देगा। मैंने कहा फैंटास्टिक काम हो गया, ठीक है। अब मुझे इसके बीच में एज चाहिए, तो मैं जो अब इसको तोड़ना है वापस, वही ऊपर की चीज़ निकालनी है जैसे ये था ना, तो मैंने कहा राइट क्लिक फेसेस, टॉप का फेस सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के अगले फेस पे डबल क्लिक किया, तो इसने, अबे भाई शिफ्ट, तो उसने पूरे ऊपर की टॉप रो सेलेक्ट कर दी, ठीक है। आप चाहो तो शिफ्ट दबा के इंडिविजुअली अलग से भी कर सकते हो, पर शिफ्ट अगर रिंग में है तो बड़ा आसान हो जाता है कि शिफ्ट दबा के और डबल क्लिक करोगे तो पूरी रिंग को इकट्ठा ही सेलेक्ट कर देगा। फिर अगेन वही एडिट मैश एक्सट्रूड, एक्सट्रूड किया, गिज़्मो ढूंढो किस तरफ है, ये इस तरफ आ गया, इसको थोड़ा सा बाहर निकाला, ठीक है, और अब वाई डायरेक्शन में इसको स्केलिंग कम की ताकि ऊपर की इस तरह से बैंड बन जाए। राइट क्लिक किया, ऑब्जेक्ट मोड में आ गए ताकि ये टूल सेट कंप्लीट हो जाए, तो ये नीचे का बेस बन गया मेरे पास, ठीक है। अच्छा, अभी इस बेस को थोड़ा सा शेप अजीब सा मुझे समझ में नहीं आता, तो एक मेरी आदत है कि मैं एक ऑप्शन इसमें होता है ये वाला वायर फ्रेम ऑन शेडेड का, आई टर्न दिस ऑन, ठीक है, ये आइकॉन जो टेक्सचर के करीब में आता है वायर फ्रेम ऑन शेडेड का। अगर आप शेडिंग में जाओ तो वायर फ्रेम ऑन शेडेड यहाँ पर भी अवेलेबल है। इससे क्या होगा कि आपके शेडेड सर्फेस के ऊपर आपको वायर फ्रेम नजर आ जाएगी जब आप उसको डीसेलेक्ट करते हो। जब हम सेलेक्ट करते हैं तो मुझे वायरिंग पूरी उसकी जो वायर फ्रेम है एजेस वैसी नज़र आ रही हैं, तो ठीक है, पर जब आप डीसेलेक्ट भी करते हो तो आपको नज़र आ रहा है। तो इससे ज़रा विजुलाइज करना आसान हो जाता है कि मेरा ऑब्जेक्ट कैसे बन रहा है। अब बचा बाकी ऊपर का सिलेंडर, उसके लिए मैं इसी में से एक्सट्रूड कर सकता हूँ, इसी को एक्सट्रूड करके ऊपर ले गया, पर ये ऊपर का पूरा प्रॉपर गोल बना हुआ है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा यार मुझे एक और सिलेंडर चाहिए, तो सिलेंडर पे क्लिक किया, क्लिक एंड ड्रैग करके ऊपर सिलेंडर बना के ले गया। अब रिमेंबर इसकी हमने रेडियस कितना रखा था, 5, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो इसको भी उठाओ, मैंने स्टार्ट किया यार इसका भी जो रेडियस था वो वापस 5 कर दो, ठीक है। और अब मुझे इसको W प्रेस किया, मूव करके एग्जैक्टली इसके ऊपर ला के रखना है, ठीक है। हाँ, अब ये क्या, मुझे पता नहीं चला यार मैं सही कॉर्नर से आ रहा है नहीं आ रहा। तो बेस्ट थिंग क्या होती है, क्योंकि मैंने उसको एक्सट्रूड वगैरह किया तो थोड़ा शेप से नहीं बैठ रहा, तो एक चीज़ हम ये करता हूँ, मैं स्पेस बार प्रेस किया, चारों व्यूज आ गए, ठीक है। सब में मैंने शेडेड व्यू ऑन कर दिया, शेडिंग वायर फ्रेम ऑन शेडेड, शेडिंग वायर फ्रेम ऑन शेडेड, शेडिंग वायर फ्रेम ऑन शेडेड। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ, ये रहा टॉप व्यू, प्रेस स्पेस बार, टॉप व्यू बड़ा हो गया, तो टॉप व्यू से आके देखो तो अब मुझे पूरा ऊपर से पूरी बिल्डिंग का एक टॉप व्यू दे रहा है।
तो आई कैन सी दिस कि यार ये क्या सेंटर पे आ रहा है, नहीं आ रहा, तो मुझे पता नहीं चल रहा। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे फोर प्रेस कर दिया, फोर प्रेस किया तो फोर, रिमेंबर वायर फ्रेम का मोड है, वायर फ्रेम मीन्स एंटायर ऑब्जेक्ट शेडेड खत्म हो जाएगा, सिर्फ वायर फ्रेम में नजर आएगा। इफ़ आई गो इन टू व्यू पोर्ट, यहाँ पे आके फोर प्रेस किया तो सी हर चीज़ वायर फ्रेम में आ गई, पीछे का बैकग्राउंड वायरफ्रेम वाईफाई सब खत्म, अब सिर्फ हर चीज़ वायर फ्रेम में आ गई। तो वापस स्पेस बार टॉप व्यू में गए, तो मैंने ऊपर का सिलेंडर सेलेक्ट किया, तो आई कैन अब एग्जैक्टली सी दिस कि यार नीचे का जो बेस था उसका सेंटर पॉइंट इधर है, इसको भी मैं थोड़ा जूम इन करते हुए एग्जैक्टली उसके सेंटर पर रख देता हूँ, दोनों के सेंटर्स को समझो हमने मैच करा दिया। अब सेंटर पर आ गया, अब एटलीस्ट मुझे पता चल रहा है कि सिलेंडर सेंटर पर है, पर क्योंकि एक्सट्रूजन की वजह से थोड़ा साइज चेंज हो रहा है, तो मैं इसकी सेटिंग में चला गया, रेडियस 4 कर दिया, पर ये बहुत छोटा हो गया, तो मैंने कहा यार 4.8 कर लो ताकि उसके बॉर्डर्स तक मिलता रहे, ठीक है। अब स्पेस बार, अब स्पेस बार, अब मेरे पास अगर मैं 5 प्रेस करूँ तो शुड बी ओके, ठीक है, अब सही नज़र आ रहा है। फिर स्पेस बार अगेन प्रेस किया, मैंने दोबारा फॉर एग्जाम्पल फ्रंट या साइड व्यू में चला गया, फिर 4 प्रेस करूँ, सिलेंडर सेलेक्ट किया, तो मैंने कहा ये तो सरफेस के अंदर जा रहा है, W प्रेस करो और इसको थोड़ा सा मैंने उठा के इसके ऊपर रखना, ऊपर रख दिया, ठीक है, और सॉरी ये हो गया मेरे पास, ठीक है, स्पेस बार, ये व्यू मेरे पास यहाँ पर आ गया, और 6 प्रेस किया वापस सेटेड व्यू आ गया। अब यहाँ पे मुझे इस सिलेंडर को, मैंने कहा यार ये थोड़ा सा छोटा बन गया, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये और लंबा होना चाहिए। तो आई कम इन टू पॉली सिलेंडर, हाइट में गए, 15 थी मैंने 18 कर दी, 18 की तो ये नीचे भी हो गया ऊपर भी हो गया, क्योंकि ये सेंटर ऑफ पॉइंट से दोनों तरफ से हाइट बढ़ा रहा है, ठीक है। इसको वापस थोड़ा सा मैंने ऊपर किया जब तक कि इसकी सरफेस के ऊपर आ नहीं गया, जस्ट मेक श्योर कि ये जो है हवा में ना हो, पता चला हवा में हो गया तो थोड़ा भले इंटरसेक्ट करे, अभी भी ये जो हो यहाँ बॉर्डर पे थोड़ा सा इंटरसेक्शन हो रही है, मतलब साइज सही नहीं है, तो मे बी रेडियस को मैं 4.7 कर दूँ या 4.5 कर दें, ठीक है, तो थोड़ा सा मुनासिब लग रहा है, थोड़ा सा कम हो गया या नहीं, बल्कि ठीक है 4.55 कर लेते हैं, और हाइट अब मेरे हिसाब से थोड़ी ज़्यादा ठीक है, 18 तक हमने कर दी थी। दूसरा इफ़ आई नाउ नोट कि ये आगे ऊपर जाते हुए थोड़ा टेपर में हो जाता है, ठीक है, अब इसका टेपर इफेक्ट कैसे लाया जाए, वो बड़ा सिंपल है, मैं स्पेस बार प्रेस किया, चारों व्यू वापस आ गया, फिर फ्रंट वाले जो व्यू पोर्ट था इस पे जाके स्पेस बार प्रेस किया, जूम आउट किया अल्टर दबाते हुए लेफ्ट माउस बटन, जूम आउट, राइट क्लिक, गो इन टू वर्टेक्स, ठीक है, अभी मैंने बीच में सेगमेंट सेट नहीं किए थे, नीचे के वर्टेक्स, ऊपर के वर्टेक्स, अगर मैं ऊपर के वर्टेक्स को सेलेक्ट करूं, आर से स्केल प्रेस करूं, स्केल आ जाएगा, सेंटर पे क्लिक करके जो ब्लू बॉक्स है उस पे क्लिक करके लेफ्ट एंड राइट किया तो इसकी जूम इन, मतलब ऊपर से मैं स्केल करके साइज कम कर रहा हूँ, नीचे के नहीं। अब मैंने कंपोनेंट में जाके ऊपर के कंपोनेंट्स को पकड़ के मैंने सुखेड़ा, तो नीचे को नहीं सिर्फ ऊपर को, उससे क्या हुआ कि ऊपर से ये थोड़ा सा टेपर इफेक्ट आ गया, तो मैंने कहा यार ये बहुत ज़्यादा टेपर इफेक्ट है, थोड़ा सा इसको हल्का इतना ज़्यादा रखते हैं ताकि लगे क्या अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और फिर सॉरी वापस स्पेस बार, वापस पर्सपेक्टिव, तो ये टेपर इफेक्ट आ गया हमारे पास, फैंटास्टिक। अब अगर आप चाहो तो यहाँ पे इसको डब्ल्यू प्रेस करके और भी बड़ा कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, मेरी मर्जी, एक तरीका ये भी है कंपोनेंट को ही पकड़ के आप खींच के बड़ा कर दो, आपकी मर्जी। तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा मैं और ये लंबा कर देता हूँ, कि ये अब मुझे थोड़ा सही लग रहा है, ठीक है। अब इसमें भी मुझे इस तरह का रिज बनानी है और वेरी क्विकली ऊपर का इस तरह का बेस बनाना है, ठीक है। राइट क्लिक किया, ऑब्जेक्ट मोड में चले गए, पहले बेस बना लेते हैं। बेस बनाने के लिए मैं चाहूँ तो एक और सिलेंडर बना सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसी को डुप्लीकेट कर सकता हूँ, या जो भी जिस तरह से मॉडिफाई करना चाहें, वी कैन डू दैट सेटिंग। फॉर नाउ व्हाट आई डू इज कि आई क्रिएट अनदर सिलेंडर, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, पर इसकी हाइट हमने थोड़ी सी कम रखी, W प्रेस किया, इसको सेलेक्ट किया, W से इसके ऊपर ले आए। अब देखो इसको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही है कि एग्जैक्टली कहाँ जा रहे हैं हम, इसीलिए स्पेस बार एक्सक्यूज मी यूज द फोर व्यूज। फोर व्यू का एडवांटेज ये मिलता है कि मैं फ्रंट से देख सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पर है। स्पेस बार प्रेस करो, बड़ा हो जाएगा, मैं इसको सेंटर पे ले आया। स्पेस बार प्रेस किया, मैंने कहा यार इसको थोड़ा और ऊपर भी ले जाओ। स्पेस बार प्रेस किया, फ्रंट टॉप से आके देखा तो मैंने कहा यार अभी भी सही नहीं आया, मतलब इसको वापस सिलेंडर के सेंटर पे ले आया, ठीक है। ये समझो बेसिकली आप आर्किटेक्ट का काम कर रहे हो, इन अदर वर्ड्स यू आर डिजाइनिंग,
तो आपको हर चीज़ बिल्कुल परफेक्टली अलाइंड होनी चाहिए, इसका थोड़ा प्रोपोर्शन का नज़र हम ख्याल रखते हैं। तो मैंने कहा यार ये बेस क्या इतना सही लग रहा है, तो मैंने कहा यार ये बहुत बड़ा हो गया। तो मैं सिलेंडर में आया, रेडियस में गया, रेडियस को 4 कर दिया, मैंने कहा 4, 4 से 5, 5 इज़ ओके, ठीक है। और क्योंकि ये बेस है तो इसकी हाइट इतनी नहीं होनी चाहिए, हाइट को मैंने 1 किया, मैंने कहा नहीं यार 1 इज़ नॉट इनफ, 0.5 कर दिया, ठीक है, ये 0.5 की बेस आ गई। उसके बाद इसी को ही मैंने डुप्लीकेट करना है, क्योंकि ये बाकी का ये वाला जो एरिया मुझे वो बनाना है। इन अदर वर्ड्स सॉरी, ये मैंने बेस बना दिया, अभी इसमें ये मैं नीचे के एक्सट्रूडेशन करूँगा, ग्रिल अभी हमने बनाई नहीं, ग्रिल बाद में आते हैं, अब ये नीचे बाकी का बेस और ये वाली चीज़ बनानी है। तो इसी को मैंने कंट्रोल डी किया, डुप्लीकेट। नॉर्मली कंट्रोल सी होता है कॉपी और पेस्ट के लिए, तो माया में कंट्रोल डी है, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, तो वो कॉपी पेस्ट दोनों कर देता है, ठीक है। तो कंट्रोल डी किया तो डुप्लीकेट हो गया। अच्छा, डुप्लीकेट होने के बाद आपका ऑब्जेक्ट जहाँ ओरिजिनल था, एक दूसरा ऑब्जेक्ट भी वहीं पर डुप्लीकेट होता है। अब मैंने W प्रेस किया, इसको मूव किया, तो सी दो ऑब्जेक्ट हो गया। इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखो, ये अक्सर न्यू स्टूडेंट जब हम काम करते हैं तो ये प्रॉब्लम आ जाते हैं। मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी प्रेस किया, डुप्लीकेट हो गया, पर वो ऑब्जेक्ट वहीं पर ही डुप्लीकेट हुआ है, ठीक है। कॉपी पेस्ट में क्या होता है कि मैं एक जगह से कॉपी किया और मुझे बताता हूँ कि मैंने पेस्ट कहाँ करना होता है, दो अलग अलग चीज़ें, क्योंकि ये दोनों सेम है, तो जहाँ आप डुप्लीकेट करोगे वहीं पर ही ये कॉपी भी हो रहा है, वहीं पर पेस्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पे बेसिकली दो ऑब्जेक्ट्स आ गए, तो आपको W प्रेस करके उसको मूव करके नई जगह पे रखना है, ठीक है। मैंने डुप्लीकेट किया, फिर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, स्केल में गए, इसकी स्केलिंग की थोड़ी सी कम, और फिर इसकी साइज मैंने X एक्सिस में थोड़ी सी बड़ी कर दी, ठीक है। अब वो मेरी मर्जी कि मैं नीचे वाले सिलेंडर से मैच करूं या थोड़ा सा बड़ा रखूं। तो मैंने कहा इसको एटलीस्ट थोड़ा सा और साइज को कम करूं, और एटलीस्ट इतना कि ये इस वाले शेप के बराबर हो जाए, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। फिर इसको थोड़ा सा और हमने बड़ा कर दिया, बहुत बड़ा हो गया। ठीक, परफेक्ट। अभी इसमें पहले सेगमेंट्स ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला जो बेस है, अगर आप चाहो तो अब इसको पहले ऊपर ले आओ, ये वाला बेस बनाना है, तो इसको सेलेक्ट किया। अगेन माया में काफ़ी हद तक हम वही कुछ टूल्स रिपीट करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैं इंसर्ट एज लूप टूल उठाया, इससे क्या किया कि मैंने जहाँ पे मुझे सेक्शन चाहिए, मैंने कहा यार यहाँ पे मुझे एक सेक्शन चाहिए, दूसरा इसके नीचे, ठीक है, दो करीब में बिल्कुल बना दी। क्यों? क्योंकि देखो इसमें भी वही एक्सट्रूड हुआ हुआ है, पट्टी बनी हुई है बाहर की तरफ निकली हुई, तो ये चीज़ उससे बन जाएगी। फिर ऊपर का भी टोपा बना हुआ है, पर मैंने कहा ऊपर का टोपा बाद में बनाते हैं, इसको अलग से बना रहा है, ठीक है। तो इसको बंद किया, फिर राइट क्लिक किया, फेस में गया, ये फेसेस सेलेक्ट किए, इस फेसेस को थोड़ा सा मैंने स्केल कर दिया अंदर की तरफ, बल्कि इसको फिलहाल एज इट इज़ छोड़ो, ठीक है। यस, इसको एज इट इज़ छोड़ते हैं, क्योंकि ये जो विंडो है मेरे हिसाब से यहाँ पे बल्कि यूँ होनी चाहिए। यस, थोड़ा सा पहले स्केल करना पड़ेगा W और नीचे की तरफ में, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा रिज बनी हुई है, दीवार है और दीवार के अंदर ये ग्लास की विंडो बनी हुई है, ठीक है। और फिर दोबारा हम गए एडिट मैश के अंदर, अगेन लेट मी सी, ये दोबारा मैंने यहाँ पे सेगमेंट बनाया दो करीब में, ये शिफ्ट एंड ड्रैग किया तो सारे फेसेस सेलेक्ट हो गए। अगर मैं चाहूँ तो एक फेस सेलेक्ट करूँ, शिफ्ट दबा के अगले पे क्लिक करूँगा, डबल क्लिक, तो पूरी रिंग सेलेक्ट हो जाएगी, दोनों चीज़ें। फिर स्केल दबाया, अब मैंने स्केल दबाया तो ऊपर के सेलेक्ट नहीं किए मैंने, इससे क्या होगा कि सिर्फ सेंटर के फेसेस को मूव करेगा। तो मैंने स्केल सेंटर पे दबाया, अंदर की तरफ लेफ्ट किया तो थोड़ा सुकेड़ा, इसको सुकेड़ कर W प्रेस करके मैं नीचे ले आया, ये देखो ऑटोमेटिकली एक बेस बन गया, ठीक है। माया में बस आपको ये चीज़ सीखनी है कि ये ट्रिक्स ऑब्जेक्ट्स को मॉडल करनी है, कि यार ये मुझे अगर बनाना है तो मैं कैसे बनाऊँ। बस टूल्स यही बेसिक्स हैं, एक्सट्रूड करना, इंक्लूड करना, बेवेल करना, चैम्फर करना, वर्टेक्स एज करना, ये 10-12 टूल्स हैं जो आप यूज़ करते रहोगे और आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। असल में जो चीज़ है कि यार ये आर्टिस्ट्री कैसे आए कि मुझे एक चीज़ कैसे बनाऊँ, कि ये अगर यहाँ से मुझे दीवार में खड्डा निकालना है तो वो खड्डे को मैं किस तरह से निकालूँ, जो शेप्स, अगर ये विंडो बनानी तो विंडो को मैं किस तरीके से वही एक्सट्रूड, वही चैम्फर, वही बिवेल को यूज़ करते हुए मैं विंडो भी बनाऊँ, मैं ह्यूमन फेस भी मैं जब बनाने बैठूँगा तो यही टूल यूज़ करूँगा, मैं गाड़ी बनाऊँगा तब भी यही 4-5 टूल्स ही हैं जो मैं पर्सनली मैक्सिमम यूज़ करता हूँ, एक्सट्रूड करना, बिवेल करना, चैम्फर करना, इंसर्ट एज लूप टूल, ये कॉमन टूल्स हैं, यही बार बार रिपीट हो रहा है।
इसी में से मैं गाड़ी भी बनाऊंगा, इसी में से हम फेस भी बनाएंगे, इसी में से बिल्डिंग बन रही है, इसी में से टावर बन रहा है। पर ये ट्रिक सिर्फ देखनी है कि यार कौन से ऑब्जेक्ट को मुझे ताला बनाना है तो कैसे बनाऊँ, क्या करना पड़ेगा, किस तरह से उस ऑब्जेक्ट को उस शेप में ले आऊँ। बस तो ये वही आती है कि आप इस तरह से प्रैक्टिस चीज़ें देखते रहो, खुद मॉडल करते रहो, तो आहिस्ते आहिस्ते खुद ही बंदे को समझ में आता है यार इसको यूँ भी करो तो हो जाएगा, यूँ भी करो तो हो जाएगा, इस तरह से भी करो तो हो जाएगा बात। तो अब वेरी क्विकली आई गो इनटू एडिट मैश, सॉरी मैश टूल्स, इंसर्ट एज लूप टूल, क्लिक एंड ड्रैग एट दिस पॉइंट हियर ताकि पूरी लूप बन गई, फिर राइट क्लिक किया, फेस में गए, ठीक है। अभी भी मैं उस टूल मेरे पास एक्टिव है, ठीक है, एज लूप टूल एक्टिव है क्योंकि मैंने एक दफ़ा सेलेक्ट किया था, तो मैं अभी उस टूल को एग्जिट नहीं किया। ये वही बात है कि आपने हथौड़ा उठाया पर आप हथौड़े से एक दफ़ा कील ठोक ली तो कील ठोक गई, पर अभी भी आपके हाथ में हथौड़ा है, एग्जिट करना है आपको, टूल एग्जिट करना है। एग्जिट करने के लिए क्यू, सिंपली क्यू प्रेस करेंगे, क्यू रिमेंबर सेलेक्ट के लिए था, तो वो आपका सेलेक्ट स्टैंडर्ड टूल आ जाएगा, तो वो जो प्रीवियस टूल था वो एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू प्रेस किया, अब वो वाला इंसर्ट एज लूप टूल एग्जिट हो गया। अब मैंने फेस सेलेक्ट किया, शिफ्ट क्लिक करके अगले फेस पे क्लिक डबल क्लिक किया तो पूरा लूप सेलेक्ट हो गई। फिर वही एडिट मैश एक्सट्रूड, ठीक है, जेड को ढूंढो किस तरफ है इस एक्सट्रूड का, थोड़ा सा बाहर निकाला, और यूजुअली मेरी आदत है कि इसको स्केल कर दिया अंदर की तरफ, और अगर आप चाहो तो W से, अच्छा आप देखो W से मैं नीचे मूव कर रहा हूँ, कुछ फेस नीचे जा रहे हैं कुछ ऊपर जा रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट स्पेस है, इसीलिए मैंने कहा था कि हम इसका अपना यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और मैं इसका अपना, अभी मैंने W प्रेस सॉरी नहीं किया, ये एक्सट्रूड का अपना हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अपने ऑब्जेक्ट स्पेस के हिसाब से इसको मूव कर रहे हैं। अगर आप चाह रहे हो कि ये पूरे के पूरे एक साथ ऊपर जाएं या नीचे जाएं, तो आप W प्रेस करो। W प्रेस किया तो अब देखो एक्सट्रूड का गिज़्मो गायब हो गया, स्टैंडर्ड मूव टूल आ गया, अब ये स्टैंडर्ड कंपोनेंट किया मैंने, डबल क्लिक करके सिर्फ फेस के कंपोनेंट को सेलेक्ट किया, ठीक है। तो मैं अब फेस के कंपोनेंट पे काम कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास टेपर आ गई, ये मेरे पास ऊपर किस तरह की विंडो बन गई। अब ये ऊपर का जो बेस था वो बना हुआ है वर्ड का, ग्लास अंदर की तरफ आ गया, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब ऊपर का ये जो टोपा रखना है आप इसी में से एक्सट्रूड कर सकते हैं, या व्हाट आई कैन डू इज के आई कैन कम इनटू दिस पॉलीगॉन कोन, ठीक है, कोन को सेलेक्ट किया, क्लिक एंड ड्रैग किया और ये कोन बना लिया, इस कोन को ऊपर उठाया डब्ल्यू प्रेस करके यहाँ पे ले आया। अगेन अब ये पोजीशन करना बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए, तो मैं फोर व्यूज ऑन किए, टॉप में गया, टॉप में से इसको उठा के यहाँ पे रखा। अगर आप क्लियर करना चाह रहे हो स्पेस बार प्रेस करके, अगेन सेंटर पे ले आओ, स्पेस बार प्रेस किया यहाँ पर आ गया तो सेंटर इधर आ गया, इसको उठा के मैंने इधर ला के रखा। मैंने कहा यार इसका रेडियस बहुत ज़्यादा हो गया, तो रेडियस में आ गए, अगेन नाम पे क्लिक किया, व्यू पोर्ट में आया, मिडिल माउस जो स्क्रोल व्हील है उसको नीचे प्रेस करोगे तो मैंने इससे थोड़ा सा सिर्फ हमें बाहर रखना है, थोड़ा सा सिर्फ बाहर रखा। हाइट को थोड़ा सा मैंने कहा यार कम हो जाओ, रेडियस लिटिल बिट इंक्रीज, पर्सपेक्टिव व्यू 5, तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अब इसमें जो था ऊपर का ये थोड़ा सा और फन्ने खान चीज़ निकली हुई है, ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अगेन आई गेस एक्सट्रूड करके इसको बना सकते हैं, या चलें ये करते हैं इंसर्ट एज लूप टूल अगेन यहाँ पे, अच्छा मैंने सेलेक्ट नहीं किया क्या, तो डेट सही से या बल्कि काम ये करो, समटाइम्स जुगाड़ भी हम लगा देते हैं। इसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी डब्ल्यू, डुप्लीकेट, स्केल कर दिया बिल्कुल छोटा और साइज थोड़ी सी बड़ी कर दी, नीचे लेकर आ गए, ठीक है। ये दूर से वही चीज़ बन गई, ठीक है। अब किसको पता चलना है कि हमने इसी को डुप्लीकेट मारी है, तो जुगाड़ समटाइम्स बहुत ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, इसके नीचे मुझे ग्रिल में देखो ये कट्स निकले हुए हैं, ठीक है। तो मुझे बेसिकली अब करना ये कि थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वर्टेक्स राइट क्लिक, वर्टेक्स नहीं एजेस, इस एज को सेलेक्ट किया, फिर इस एज को सेलेक्ट किया, फिर आई गेस इस एज को, मैं अल्टरनेट एजेस सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एक एक छोड़ के, क्योंकि वरना फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो एक एक एज, अब मैं और ये अल्टरनेट कैसे, कंट्रोल से सॉरी शिफ्ट से, ठीक है, इसको कैमरा को रोटेट करते चले गए, शिफ्ट दबाते चले गए और अल्टरनेट में हमने सारी सेलेक्ट कर दी, ठीक है। फिर एडिट मैश बेवेल कर दो, तो बेवेल क्या करेगा, उसको ऑटोमेटिकली एक एज को दो में तोड़ देता है, ठीक है। और इसकी फिर हमने चाहे तो फ्रैक्शन, मैंने कहा थोड़ी सी फ्रैक्शन कम हो जाए, तो फ्रैक्शन कम हो गई,
अब राइट क्लिक किया, फेस में आ गए, एक फेस ये सेलेक्ट किया, अब ये जो बीच वाले फेसेस थे ये सारे सेलेक्ट करो, शिफ्ट सेलेक्ट, शिफ्ट सेलेक्ट, शिफ्ट क्लिक, शिफ्ट क्लिक, अल्टर से कैमरा रोटेट, शिफ्ट क्लिक, अल्टर से कैमरा रोटेट, शिफ्ट क्लिक, ये सारे फेसेस सेलेक्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद आई गो इन टू एडिट मैश एंड अगेन आई क्लिक ऑन एक्सट्रूड, एक्सट्रूड पे क्लिक किया, जेड को ढूंढो किस तरफ है और फिर इन सबको नीचे की तरफ कर दिया, ठीक है। तो ये जो नीचे वाली रिज बनी हुई थी इस तरह की, ये हमारे पास बनकर आ गई, ठीक है, बड़ा फैंटास्टिक कहानी हो गई। राइट क्लिक किया, ऑब्जेक्ट मोड में चले गए, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। अच्छा, अब उसके बाद बीच में ये भी रह गया, ओ इसका ये फने खान खोल बोल निकला हुआ है, तो अगेन इसको बेस को सेलेक्ट किया, एडिट मैश, इंसर्ट एज लुक टूल, यहाँ पे एक इंसर्ट की, इसके करीब में दूसरी एज लुक यहाँ पे इंसर्ट कर दी, राइट क्लिक किया, फेस में गए, एक फेस सेलेक्ट किया, शिफ्ट क्लिक, अगले फेस पर डबल क्लिक किया, पूरी लूप सेलेक्ट हो गई, अगेन एडिट मैश, एक्सट्रूड, ठीक है, जेड को ढूंढो और जेड एक्सट्रूड कर दो बाहर की तरफ, स्केल ए वाई में थोड़ा सा नीचे की तरफ कर दिया, ये बेस बन गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही, देखो ये चीज़ हो गई, थोड़ा सा बाउंस हो गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, मैंने कहा ये चीज़ गलत, तो पहले तो कंट्रोल जेड किया, सिर्फ बाहर की तरफ मैंने कहा तुम निकलो, उसके बाद आर प्रेस कर दिया, आर नॉर्मल स्केल, तो अब वो फेस में हट गया, अब देखो सेंटर में आ गया, तो ये डिफरेंस है, जब हम एक्सट्रूड करते हैं तो बेसिकली हर फेस को अपनी अपनी डायरेक्शन में खींच रहा है अलग अलग अलग, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट स्पेस। तो जब मैं बाहर खींच रहा हूँ तो एक फेस इस तरफ है, दूसरा फेस इस तरफ है पीछे, तो जब मैं इसको बाहर खींचूंगा ना तो टेक्निकली या तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जाए, पर ऐसा नहीं हो रहा, वो ये रहा है कि जब मैं इसको बाहर खींच रहा हूँ तो ये भी बाहर खींच रहा है, तो उसको पता चला गया ये भी बाहर जाएगा, ये भी बाहर जाएगा, यही चीज़ यहाँ पे जब हो रही है, देखो हर फेस की डायरेक्शन अलग अलग है, हर फेस अपनी डायरेक्शन में एक्सट्रूड हो रहा होता है जब हम एक्सट्रूड का ही मूव यूज़ कर रहे हैं, पर जब आप W प्रेस करते हो ना तो अब ये वर्ल्ड का आ गया, मतलब अब मैं जहाँ इधर खींचूंगा तो पूरी पूरा फेस सारी चीज़ उधर ही जाएगी, ठीक है। अब ये होगा कि जब मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो सीधे सारे फेसेस उसी तरफ जा रहे हैं, इसी तरह से जब मैं स्केल करूंगा अब सारे फेसेस एग्जैक्टली इक्वली स्केल हो रहे हैं, तो कभी कभी हमें ये फनकारी भी करनी पड़ जाती है, तो हमें सिर्फ इसका याद रखना है कि यार ये चीज़ कैसे जा रही है। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बन के आ गया ऑलमोस्ट। अब जो चीज़ आई गेस रहती है वो दरवाजे के एक्सट्रूजन है, ठीक है, वेरी क्विकली चलें। सो अब दरवाजे की एक तो ये छोटी सी कोठी आ गई, इस कोठी को मैंने क्या किया, क्यूब बनाया, ओके, और चलें ऑप्शंस में चले गए, क्यूब के अंदर विड्थ भी है, क्यूब के अंदर हाइट भी है, क्यूब के अंदर डेप्थ भी है, मैंने इन सबको उठा के 2-2 कर दिया, टू, ठीक है, डब्ल्यू प्रेस किया, इसको यहाँ पे ले आया एंड मूव इट अप, मैंने कहा 2 बहुत कम है क्योंकि ये क्यूब टेक्निकली इस पूरे साइड का होना चाहिए, इस अगेन हाइट वेट तीनों को एक साथ सेलेक्ट किया, 4 कर दिया, ठीक है, तो मेरे हिसाब से 4 जो है वो थोड़ा सा सही है, इन दोनों के सेंटर में आ जाएगा, इससे बड़ा जो है वो अजीब सा लगेगा, ठीक है। स्केल प्रेस करके इसको थोड़ा सा कम कर दिया और डब्ल्यू प्रेस करके इसको ऊपर उठा के यहाँ पे रखा, ठीक है, ऐसे ही है ऑलमोस्ट ऐसे ही है, चलना ठीक है। उसके बाद अब इसमें क्या करना था मुझे, इस तरह का एक गुलाई काटनी है, या अल्लाह ये तो बड़ा मसला है, इसको बल्कि यहाँ पे ला के रखो, स्केल में थोड़ा और पीछे करो, बल्कि और पीछे करो ताकि अंदर की तरफ हो जाए, ये यहाँ तक, ठीक है, और अब इसकी जो गुलाई है वो पूरी इस हिसाब से कटेगी, ओके परफेक्ट, ठीक है, और हाइट में आ गए। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे सेंटर में एक सेगमेंट चाहिए, तो अगेन एडिट मैश, अब मैं यहाँ से भी इंक्लूड कर सकता हूँ, सॉरी सब डिविजन विड्थ, अगर मैं क्लिक करूँ तो ये विड्थ में सब डिविजन बढ़ा रहा है, सब डिविजन हाइट क्लिक किया, सब डिविजन हाइट में बढ़ा रहा है, सब डिविजन डेप्थ, सब डिविजन डेप्थ में बढ़ा रहा है, तो मैंने एक एक दो दो सब में बढ़ा दिया, ठीक है। राइट क्लिक किया, वर्टेक्स में गया, वर्टेक्स आ गई, मैंने क्लिक एंड ड्रैग किया तो ये सारी वर्टेक्स सेलेक्ट हो गई, अगर 4 प्रेस करो तो मेक श्योर कि आपकी तीनों वर्टेक्स सेलेक्ट हो गई, फिर 5 प्रेस किया और W से इसको ऊपर उठा दिया, ये आपकी कोठी बन गई, ठीक है, इस तरह की सिंपल। उसके बाद इस कोठी में भी इस तरह का ऊपर का एक टेपर्ड बेवेल्ड चीज निकली हुई है, मैंने कहा चले ठीक है कोई मसला नहीं है। राइट क्लिक, आप कंट्रोल जेड कर दिया, ठीक है, क्यों कंट्रोल जेड किया, क्योंकि मैं पहले जुगाड़ लगाना चाह रहा हूँ, ये देखो इसमें से भी टेपर निकली हुई है कोठी में से, हाँ, तो
तो मैं पहले इसको निकाल के फिर मूव करना चाह रहा हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गए, हम आ गए वापस आपका सॉरी मॉडलिंग मेन्यू के अंदर, एडिट मैश, इंसर्ट एज लूप टूल, यहाँ पे मैंने इंसर्ट एज कर दी टूल, ठीक है। राइट क्लिक किया, फेसेस में गए, एक फेस सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के अगले फेस पे डबल क्लिक किया, फिर एडिट मैश में गए, एक्सट्रूड में गए, जेड डायरेक्शन में सारे फेसेस को हमने एक्सट्रूड करा दिया, थोड़ा सा एक्स में मैंने इसको बंद कर दिया। वंस ये चीज़ हो गई, राइट क्लिक, वर्टेक्स, अब ये वर्टेक्स सारे सेलेक्ट किए, डब्ल्यू प्रेस किया, इसको मूव कर दिया, टेबल बन गया, ठीक है। बड़ा आसान, सिंपल है सर, ये चीज़ यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद अब ये गोलाई काटनी है सर, ठीक है। इफ़ यू वांट, हम ये गोलाई इसमें मैन्युअली, जैसे ये टेपर काटा था ऐसे भी कर सकते हैं, या मैं इसमें फिर और फर्दर जो है ऑप्शंस भी इंक्लूड कर सकता हूँ। फर्दर ऑप्शंस इंक्लूड करने का तरीकाकार ये होगा, चलो अब इशू ये है कि ये गोलाई किस तरीके से बनाए। तो या तो मैं कॉलम्स को इसमें से एक्सट्रूड करूँ, जो ये इसके कॉलम्स निकले हुए हैं, ठीक है, या ये कॉलम्स में अलग से बना के अलग से लगेंगे, क्योंकि ये पूरे पूरे स्ट्रेट स्ट्रेट आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉलम मैंने पहले तो एक सिलेंडर उठाया, एक पतला सा सिलेंडर बना दिया हमने और इसकी हाइट दे दी, ठीक है। इसको उठा के मैंने पहले इसके कॉलम को इस तरह एडजस्ट किया। अच्छा, ये वैसे बाय द वे हम पूरा हवा में बना रहे हैं, ग्रिड से बहुत ऊपर है, हमने कहा चलें कोई मसला नहीं, इसको उठा के इधर रखा, और सिलेंडर की हाइट हमने थोड़ी सी बड़ी कर दी, फॉर एग्जाम्पल 5W, इसको यहाँ पे लिया। दूसरा, इसके सब डिविजन्स 20 थे, मैंने 10 कर दिया, या 10, चलो 10 ठीक है, ठीक है, ताकि बिल्कुल गोल भी ना हो और बिल्कुल सादा भी ना हो। तो इस तरह से अगर हम टेक्सचर हटा के देखूँ मैं ये चीज़, तो थोड़ा सा इस तरह से सीधे लाइनें लाइनें भी नज़र आ रही हैं, और वो बिल्कुल इस तरह से भी नहीं है। मैंने कहा चलो ये चीज़ इस तरह से सही हो गई, एंड टेक्सचर चीज़, ठीक है। अब इसकी सिंपली हमें डुप्लीकेशन करनी है, ऑब्जेक्ट मोड, ऑब्जेक्ट उठाओ, ठीक है। और डुप्लीकेट करने के अलावा हमें और क्या करना था, बस ठीक है। तो मैं पहले आ जाऊंगा अपना स्पेस बार, टॉप व्यू उठाया, टॉप व्यू में चला गया, ठीक है। तो टॉप व्यू में कहते देखो ये लाइन आ रही है स्ट्रेट, जो इसका कोना बता रही है, तो मैं एग्जैक्टली इसके कोने पर रख दूँगा इधर, ठीक है। इसी तरह से कंट्रोल डी, इसको उठा के मैंने वो इधर इसके डुप्लीकेट पर रखा, इधर नहीं आएगा वो, तो हर उस कोने पे आएगा ना, हर कोने दिया ना ये, ठीक है। बट एक मिनट, एक और चीज़ इसमें हो रही है, ऊपर से थोड़ा पतला है, नीचे से फिर मोटा हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब इससे पहले कि मैं डुप्लीकेट करूँ, मैं इसी को एडजस्ट कर देता हूँ। इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, कंट्रोल वर्टेक्स, ऊपर से थोड़ा सा हमने सारी ऊपर की वर्टेक्स सेलेक्ट की, इसको स्केल हमने कम कर दिया, ठीक है। नीचे की राइट क्लिक किया, ऑब्जेक्ट मोड, एडिट मैश टूल, इंसर्ट एज लूप टूल, यहाँ पे मैंने एक एज लूप इंसर्ट कर दिया, ठीक है। और राइट क्लिक करके सॉरी फेसेस में गए, तो ये फेसेस सेलेक्ट किए सारे, ठीक है। मैश और एडिट मैश, एक्सट्रूड, और इसको थोड़ा बाहर की तरफ एक्सट्रूड कर दिया, ठीक है। अब ये इस पिलर टाइप का लग गया, अगर हम चाहें तो इसमें एडिट मैश, इंसर्ट एज लूप टूल, एक लूप टूल यहाँ भी इंसर्ट कर दिया, और W इसको थोड़ा सा नीचे ले आया ताकि ये बिल्कुल इसकी लाइन में आ जाए, ठीक है। फिर किया राइट क्लिक, फेसेस, टॉप के फेसेस सेलेक्ट किए ये वाले, क्लिक एंड ड्रैग, मैश में गए, एक्सट्रूड, इसको भी थोड़ा सा हमने एक्सट्रूड करा दिया, स्केलिंग कम कर दी, ओए इतने गया, ठीक है। सॉरी, ये आपका बड़ा अच्छा प्लेयर बन गया। अगेन ये मेरी एक डिज़ाइन है, आप किसी तरह से भी जैसे भी चाहो बनाते चले गए, तो अब बजाय के बिल्कुल सीधा सीधा आ जाए, थोड़ा सा गुड लुक में आ गया। दूसरा कंट्रोल एस, इसको बराए करम सेव करने की ज़रूर कोशिश करना। माया के अंदर हम लोग वैसे तो काम कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट्स के हिसाब से, बल्कि लेट मी डू दैट, ठीक है। इसको बंद किया, अब मुझे इसको सेव करना है। सेव करने से पहले हमेशा जाओ सेट प्रोजेक्ट में या प्रोजेक्ट विंडो में, ठीक है। प्रोजेक्ट विंडो, फाइल, प्रोजेक्ट विंडो। माया कहता है कि जब आप काम कर रहे हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कैशे फाइल, टेक्सचर्स, रेंडर्स, क्लिप्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमेशा पहले प्रोजेक्ट विंडो में जाओ,
अपना एक प्रोजेक्ट बनाओ, नाम दे दो उसको, फॉर एग्जांपल माया, अच्छा न्यू, सॉरी, क्लिक ऑन न्यू, न्यू प्रोजेक्ट माया क्लास इवनिंग, ठीक है। इसको मैं जो सेव कहाँ पे करना चाह रहा हूँ, मैंने कह दिया कि यार गो सेव इट ऑन माय, चल 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 चल, प्लीज 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 प्लीज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कुछ फोल्डर्स हैं जो बाय डिफॉल्ट माया को चाहिए होते हैं, ऑल ऑफ दिस आर क्रिएट, क्लिक ऑन एक्सेप्ट, तो आपका फोल्डर बन जाएगा। अब जब आप फाइल सेव सीन में जाओगे, ठीक है, अब मैं सीन करने जाऊंगा, तो माया ऑटोमेटिकली मुझे मेरे प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर लेके चला जाएगा। माया क्लास, माया क्लास के अंदर एक फोल्डर है सीन्स का, हर सीन माया यहाँ पे रख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कह दिया लाइट, एल आई जी एस टी लाइट टावर, इसको करा दिया हमने सेव, ठीक है। अपने टावर सेलेक्ट किया, सॉरी स्पेस बार, टॉप व्यू में आ गए, स्पेस बार, टॉप व्यू बड़ा हो गया, कंट्रोल डी किया, इसको सेंटर से पकड़ो, मैंने कहा एक इधर आ जाए, ठीक है। और इसका जो पिवट है मैं वो इस लाइन पे रख रहा हूँ, ठीक है, सेकंड वाली जो लाइन जा रही है उस पर रख रहे हैं, कंट्रोल डी, इसको भी पिवट जो है सेंटर पॉइंट वो सेकेंड वाली लाइन पर रख रहे हैं, इसी तरह से कंट्रोल डी एंड देन सेकेंड वाली लाइन, थोड़ा सा जूम करके चेक करो कि पोजिशन सही जा रही है, एंड देन कंट्रोल डी सेकेंड लाइन, जूम इन, ठीक है, जूम आउट, कंट्रोल डी। दूसरा माया में एक शॉर्टकट हम यूज़ करते हैं एफ़ का, फॉर एग्जांपल मुझे अभी इस पे जूम करना है, तो बजाय कि मैं माउस से जूम करूं, अगर मैं एफ़ प्रेस करूं तो माया ठक फोकस ला के उस पर रह सकता, ठीक है। इसको उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, और फिर वापस बाहर निकलना है, ए प्रेस कर दो, ए प्रेस करने से जूम आउट हो जाएगा, फिर कंट्रोल डी, इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे रखा, एफ़ प्रेस किया, फोकस इस पे आ गया, वापस इसको मैंने उठा के इधर रखा, फिर ए प्रेस किया, जूम आउट हो गया, फिर स्पेस बार, पर्सपेक्टिव, इसको बड़ा कर दिया, ये मेरे पास विंडो बन गई, ठीक है। प्रॉब्लम ये कि ये दरवाज़ा बहुत बाहर निकल आया, ठीक है, राइट क्लिक किया, वर्टेक्स में गए, इसकी साइड वाली सामने वाली जितनी वर्टेक्स थी उनको पकड़ा, पीछे की तरफ कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा अंदर की तरफ फजीलत से इस पिलर्स के हिसाब से, ठीक है, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, थोड़ा इसको भले हम ब्रॉड कर देते हैं ताकि ये इस पिलर के सेंटर पे, ये इस पिलर के सेंटर पर, दैट्स गुड, ठीक है मेरा भाई। फिर सीढ़ियाँ वगैरह बाकी की जो चीज़ें, अगर उसको बनाने बैठे तो आई कैन, आई गेस इफ आई क्रिएट अ क्यूब हियर, ठीक है, इस क्यूब को उठा के मैं अगर स्पेस बार प्रेस करूँ तो ये मेरे पास आ जाना चाहिए फ्रंट व्यू, ठीक है। इसको मैंने उठाया यहाँ पे ला के रखा, इधर राइट क्लिक किया, वर्टेक्स, इस वर्टेक्स को उठा के हम पीछे ले गए, ठीक है, इस तरह से आई गेस नीचे यू लिया, ये स्लोप बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें एजेस ऐड करके हम एजेस इंसर्ट कर सकते हैं, चलें, सो फिलहाल इसको स्लोप में ही रखते हैं, आई एम नॉट क्रिएटिंग स्टेयर्स, राइट क्लिक किया, ऑब्जेक्ट मोड। जो दूसरी चीज़ इसमें रहती है वो, एक तो ये जो पैटर्न्स आ रहे हैं ये फिर हम टेक्सचर से भी दे सकते हैं, मैं टेक्सचर ही ऐसा दूँगा जिसमें पैटर्न पैटर्न बना हुआ है, अगर मुझे डिटेल्स ऐड करनी है तो वही फिर एक्सट्रूड फेस सेलेक्ट के एक्सट्रूड एक्सट्रूड करके हम बना सकते हैं। जो होल कट करना है उसका जो एक आसान से आसान तरीका ये होता है कि मैंने एक सिलेंडर बनाया, ठीक है, सॉरी मैंने एक इसको सिलेंडर बनाया, ठीक है, इसको पहले तो किया रोटेट 90 डिग्रीज में ताकि फ्रंट में आ जाए, डब्ल्यू प्रेस किया, इसको लेके घर के सामने आ गए, एफ ताकि फ्रेम इन हो जाए, मैंने कहा इसकी साइज छोटी करो, ठीक है, इतना कट सा है, काफ़ी है, ठीक है। इसको कंट्रोल डी कर दिया मैंने ताकि इसकी एक कॉपी मेरे पास रहे, मैं बताता हूँ क्यों। मैंने इसको सेलेक्ट किया घर को, शिफ्ट सेलेक्ट किया अपने सिलेंडर को, मैश में गया, यहाँ पे मैश में होगा, मैश में, सॉरी यस मैश में, यहाँ पे एक ऑप्शन कहलाता है बुलियन। अब बुलियन ऑपरेटर्स याद है मैथमेटिक्स में हम यूज़ करते हैं, उसमें यूनियन सेट, सब सेट, इंटरसेक्शन, यहाँ भी वही लॉजिक चलती है। बुलियन सेट में जब हम करने बैठेंगे तो ये क्या करेगा कि यूनियन मीन्स दोनों ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन कर दो,
डिफरेंस मीन्स पहले में से दूसरे को डिफरेंस कर दूं या इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन, तो अगर मैं डिफरेंस पे क्लिक करूं तो इसने होल कट कर दिया, ठीक है। मैंने कहा यार ये थोड़ा सा अंदर सही नहीं किया, कंट्रोल जेड इसको सेलेक्ट किया, स्केल मीन साइज बड़ी कर दी, थोड़ा अंदर जा पहले। अच्छा अब इसमें मैटर करती है आपकी सिलेक्शन, तो पहले मैंने घर सेलेक्ट किया, फिर मैंने दूसरा ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, इसका मतलब ये कि मैं घर में से इसको माइनस करना चाह रहा हूँ। अब इसमें मैश में गए, बूलियन डिफरेंस निकाल दिया, तो मेरे पास होल कट हो गया, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब यही मैंने होल इसीलिए रखा था कि इसी साइज के होल को मैं यहाँ पे ले आऊंगा इधर, इसकी बल्कि एक और कॉपी में मैं रख लेता हूँ, वो बताता हूँ क्यों। फिर इसको उठाया थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा चौड़ा कर देते हैं, ठीक है। और बैक किया, अब पैलेट लाइट टावर नीचे वाला सेलेक्ट किया, बल्कि ये तो दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। अब इसकी कंट्रोल डी कॉपी ली, कॉपी इसीलिए रखी क्योंकि दोनों अलग हैं, तो पहले इसके साथ करना पड़ेगा फिर इसके साथ, तो वो पूरा एक होल दरवाजे का इसमें से कट करा जाएगा। तो इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट सेलेक्ट, इसको मैश बूलियन डिफरेंस, तो नीचे दरवाजा कट गया। ऊपर वाला सेलेक्ट किया, वापस इसीलिए डुप्लीकेट बना के रखी थी, इसको वापस इधर ले आए। अब फिर वही टावर ऊपर को सेलेक्ट किया, शिफ्ट सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट किया, मैश बूलियन डिफरेंस, तो दोनों में होल कट हो गया, क्या ठीक है, हमारा दरवाजा बन गया। अब इसी को ही एज अ डोर में यूज़ करूँगा, जो फाइनल एक और कॉपी रखी थी, ठीक है। इसी को उठाया, स्केल किया बड़ा, डब्ल्यू किया नीचे, इनफैक्ट वही इसकी एक और कॉपी रखनी चाहिए थी, तो इसको स्केल कर देंगे हम कम, डब्ल्यू इधर, ओके आई थिंक थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, थोड़ी सी स्केलिंग कम कर लेते हैं। तो ये मेरा बेसिकली एज अ डोर काम करेगा, इस पर मैं डोर का टेक्सचर लगा दूँगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक लाइट हाउस होगा, कंट्रोल एस सेव इट, समझ आएगा नहीं, थोड़ा सा मैं फास्ट गया हूँ क्योंकि फिर ये बहुत लंबा लंबा लजीज चल रहता है। हाँ सही है, फॉर एग्जाम्पल अभी ये एयर में है, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू इज के वी कैन शिफ्ट ड्रैग सेलेक्ट ऑल, मैंने व्यू पोर्ट से बाहर गया, शिफ्ट ड्रैग किया, सारे ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया, डब्ल्यू प्रेस करके स्पेस बार, ये देखो ग्रिड, अगर मैं साइड व्यू में आऊँ तो ये नीचे ग्रिड से इसको उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया। समटाइम्स ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम हियर, तो अब जैसे ये है तो ये किसी पहाड़ पे बना हुआ है, तो मैंने एक पहाड़ बनाया, अब मुझे इसको पहाड़ के ऊपर रखना है, तो इस तरह से दूसरा भी हर ऑब्जेक्ट अलग अलग है, तो मेरे पास ऑप्शन है मैश कम्बाइन, तो ये सब ऑब्जेक्ट्स को कम्बाइन करके एक बना देगा, मैं ये भी कर सकता हूँ। दूसरा इसमें ऑप्शन है ग्रुप का, एडिट ग्रुप, मैं ग्रुप कर दूंगा। ग्रुप और कंबाइन में फर्क ये है कि जब कंबाइन करेंगे तो पूरे ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन कर देगा, वन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ग्रुप में होगा कि वो ग्रुप कर देगा, इंडिविजुअली सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग पड़े, मैं सब पे अलग अलग काम कर सकता हूँ, पर जनरली एक ग्रुप है, तो जब मुझे इसको मूव करना है तो मैं ग्रुप वाली नोड को सेलेक्ट करूंगा, पूरे ग्रुप में फायदा मिल जाता है, ठीक है बात। तो फॉर नाउ मैंने इसको ग्रुप कर दिया, ठीक है, और कंट्रोल एस कर दिया, कंटिन्यू। अब जब मैं मूव करूंगा तो पूरा ग्रुप हमारे पास मूव होगा, ठीक है। चलें, थैंक यू वेरी मच। अब मैं ये तस्वीर जो है आपको देता हूँ, एग्जैक्टली ये बनाओ, नहीं क्योंकि वीडियो भी है, मैं कोशिश करूँगा कल तक ये वीडियो अपलोड कर दूँ, उससे होगा कि आप स्टेप्स स्टेप थोड़ा सा फॉलो करते जाओ, यही चीज़ करो तो थोड़ा आइडिया भी मिल जाएगा, या नेट से इस तरह से कुछ भी खुद से ढूंढो, टेबल चेयर कुर्सी, बहुत सारी डिजाइन पड़ी, कोई सिंपल डिजाइन, सिंपल चेयर, सिंपल उठाओ, मॉनिटर उठाओ, फॉर एग्जाम्पल ये स्क्रीन पड़ी है, इसको मॉडल करो, वही एक्सट्रूड देखो, बॉक्स बनाया, एक्सट्रूड पहले तो किया, उस पर एक फेसेस यहाँ पे ले आए, एक्सट्रूड अंदर की तरफ किया, एक्सट्रूड बाहर की तरफ किया, एक्सट्रूड। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज ईशान भट्टी, आई एम द क्रिएटर ऑफ ईशान एकेडमी, एन ऑनलाइन मल्टीमीडिया लर्निंग एंड एजुकेशनल साइट दैट हैज वीडियो लेक्चर्स ऑन एंड नोट्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। सो टू कीप अपडेट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओह दैट्स नाइस।